गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगी। कहाँ ले जाओगे आप मुझे? मुक्तेश्वर वाली रोड में जा रहे हैं हम लोग, तो देखिए आप है आज कहाँ लेके जाऊँ। तेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। पीछे आपके बादल हैं और आप बादलों के ऊपर हैं। तो एक चीज पूछूं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। लड़की ने आज क्या क्या नहीं कर दिया है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहे। तो नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी मैं जस्ट सो के उठा, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। बज रहे हैं आपके 5:40। मैं उठा हूँ, अभी हाथ में धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ और जिम की तैयारी करता हूँ। चलते हैं जिम, मिलते हैं आपसे। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be. तो सुबह उठा हुआ था तो सीधे उठा और गया जिम। जिम करके आया और अभी मैं जस्ट काम कंप्लीट करके आ चुका हूँ अपने कमरे में। और अभी बज रहे हैं आपके 10 और अभी मैं हूँ रूम पे। और अभी मैं नहाता धोता हूँ, नाश्ता कर चुका था। मैं आते ही नाश्ता किया, उसके बाद बाहर काम में लग गया था। लोग बाग आ रहे थे, आ रहे थे, तो मैंने काम हम निपटाया। और अभी मैं जस्ट नहाता धोता हूँ, मम्मी को कपड़े भी देने धोने के लिए। तो आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, आज मैं एक अपने फैन भी कह सकता हूँ, मेरी एक फैन, तो आज मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। तो अभी मेरा कुछ प्लान था नहीं, तो मेरा सडनली प्लान बना, तो मैंने कहा चलो आज चला जाता हूँ। 4-5 दिन से मैं घर पे था, कहीं जा नहीं रहा था, तो आज जा रहा हूँ मैं 4-5 दिन बाद। तो बने रहिएगा व्लॉग में, आपको दिखाता हूँ मैं आज किस फैन से मिलने आ रहा हूँ और एक्साइटमेंट भरा होने वाला है व्लॉग। तो गाइज बने रहिएगा, छोटी सी छोटी चीजें मिस मत करना, बहुत अमेजिंग ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहेगा आज ब्लॉग्स में। सो गाइज मैं हो गया हूँ रेडी, आप देख सकते हैं मैंने अपना ट्रैक सूट निकाल दिया है, बिकॉज ठंड ज्यादा होने लग गई। सुबह जिम जाता तो बहुत ठंडा होता है, तो मैंने सोचा अब निकाल ही लेना चाहिए। और अभी मैं जा भी रहा हूँ, नैनीताल जा रहा हूँ आज उनसे मिल। तो आज मिलते हैं उनसे और बताते हैं आपको कि कैसे हैं वो, क्या करते हैं, क्या है। और मैं अपने फर्स्ट फैन से ऐसे मिलने आ रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है यार, कोई है जो ऐसे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मिल भी आते हैं, अपना घूमना भी जाएगा। मैं 6 दिन से घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। सो अब जा रहा हूँ मैं एक हफ्ते बाद, तो बने रहिएगा व्लॉग में, दिखाते हैं आपको। और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास, देखता हूँ गाड़ी की हाल क्या है। गाड़ी भी मैंने 6-7 दिन से चलाई नहीं। मिलते हैं आपसे। कल पा लिए और हम चल दिए हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर नैनीताल, और मिलते हैं आज उनसे जिनसे आज आपको मिलाने वाला अपने फैन से। तो बने रहिएगा। Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पे पता नहीं आज इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है। आज कोई गवर्नर आने वाला है कह रहे हैं, तो बहुत सारी पुलिस भी लगी है। तो मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं मैं नैनीताल पहुंच चुका हूं। अब कटूंगा सीधे लेफ्ट राइट साइड को भवाली। भाई लोगों, अभी मैं जस्ट नैनीताल पहुंचा, तो मैंने देखा और मुझे पता चला कि हमारे गवर्नर आने वाले हैं और वो अभी पहुंचेंगे। तो उस वजह से इतनी पुलिस लगी, इतनी सिक्योरिटी लगी है कि मुझे भवाली वाली रोड में नीचे आना पड़ा। और वो अंदर वेट कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था। तो उनको आज टेम्पो एम्पो रिक्शा सब कुछ नहीं मिला। फोन में मेरी बात हुई तो कह रहे थे मैं पैदल पैदल आ रही हूं। मैं यहाँ पे गाड़ी लगा रही थी मैंने वाली रोड में नीचे को, यहाँ देख सकते हो कोई नहीं है। तो अभी 5-10 मिनट उनका वेट करते हैं, बहुत नीचे आ गया हूँ मैं उनका आने का। जैसे ही वो आते हैं फिर आपको मिलाते हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तो ये हैं हमारी मानसी, हमारे बहुत बड़े फैन, आज हम मिली लिए। और कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप बताओ? बढ़िया। तो आज क्या कर रखा है आपने? इतना जाम लगा रखा है यार, वो कोई गवर्नर आ रहा है तो इस वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। ओके, और मैं भी जो तो इतना पैदल चल के आना पड़ा 5 मिनट। हाँ, वही रिक्शा भी बंद है। तो अभी यहाँ पे जरा मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है, क्योंकि पुलिस वुलिस भी लगी हुई है। तो मिले हैं अभी इनसे, हम मिलते हैं आगे, अभी आपको दिखाते हैं। सीट बेल्ट पहन लो, अभी रोलर कोस्टर स्टार्ट होने वाला है। गाड़ी चल गई है, ठीक है ना मानसी जी? ओके, चलते हैं फिर। रोलर कोस्टर स्टार्ट। मन तो ऐसा था कि नैनीताल में ही जाते घूमते, मुझे सोनू भाई से भी मिलना था, थोड़ा काम था उनसे। और आज जो वो आला था, राज्यपाल कह रहे हैं, राज्यपाल ना, राज्यपाल, राज्यपाल गवर्नर कहते हैं उसे इंग्लिश में, राज्यपाल जो आ रहा था, उस चक्कर से हाँ नैनीताल पूरा क्लोज कर रखा, सीधे भवाली वाली रोड में डलवा दिया। और भवाली में चलते 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 हम आ चुके हैं। अभी आपका ये दिख रहा है आपको, बस थोड़ा सा ही रह गया है मुक्तेश्वर। तो सोच रहे हैं कोई अच्छी सी प्लेस देख के वहाँ पे कुछ रील्स बनाएंगे। और हम मिले थे एक फेस्ट में। और कैसे हैं आप ये बताओ? तो बढ़िया। तो ये मेरे व्लॉग्स देखते हैं और कैसे लगते हैं आपको व्लॉग्स? बहुत बढ़िया लगते हैं व्लॉग्स, और मैं सारे व्लॉग्स देखती जितने आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रहा था आप क्या करते हो, आप मतलब क्या चीज है आपका, आपने स्कूलिंग कर ली है, अब क्या कर रहे हो? एक्चुअली फाइन आर्ट्स का कोर्स करती हूं, नैनीताल DSB से। थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हो चुका है। ओके ओके, ये बड़े प्यार से बोला यार आपने। तो मुझे काफी अच्छा लगा इनसे
मिलके बातें होती थी इंस्टाग्राम में, मैसेजेस आते थे, डीएम्स आते थे, तो हमने कहा चलो मिलते हैं। उन्होंने कहा था कुछ साथ में मिलके रील्स बनाएंगे, कुछ बातें करेंगे। अच्छा भी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बोर हो रहे थे ना वैसे आप कमरे में? बोर हो रहे थे ना? चलो ठीक है। वैसे आप रहते कहाँ? मैं मल्लीताल में। यहाँ नहीं, वैसे कहाँ? वैसे मेरा घर चौखुटिया। ओके, चौखुटिया। ये कहाँ पड़ा? ये रानीखेत से आगे। ओके चलो ठीक है, आज तो फर्स्ट मुलाकात है, फिर आगे मिलते हैं। क्यों? बिल्कुल, फर्स्ट मुलाकात है, फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट मुलाकात जो कहो। तो मिलते हैं भी आप। 1:15 और टाइम क्या हो रहा है आप देख सकते हो, 2:35 हो गया है भाई, 2:30 होने वाला है, मतलब हमें 1.5 घंटा यहीं पे हो गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था इनको रील बनाना, क्या बताऊं है। हाँ। लेकिन अच्छी रील्स बनी, क्यों? बहुत अच्छी रील्स बन गई है। आज आप बहुत खुश भी लग रहे हो। तेरो खाना मडवा रोटा, मेरो खाना पिज्जा हो, मेरो खाना पिज्जा, पर बुलान मम्मी डैडी, म्यार ईजा बाजू हो, म्यार ईजा बाजू हो, जरा हो जरा जरा मठू मठू ही जावर गिराड़ू काबा, तेरी खुटवे गली मेरा बुपना। सोचा है बहुत रील बना ली हमने 1.5 घंटा, थोड़ा घूम लेते हैं, क्यों? फिर उसके बाद आके घर जाना है आपको भी, फिर मैं भी जाऊंगा घर, लेट हो जाएगी नहीं तो, ठीक है? चले फिर थोड़ा ऊपर को, थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। मुक्तेश्वर का सोचे थे, मुक्तेश्वर नहीं जा रहे, थोड़ा ऐसी भटेलिया नथुआ कान साइड को निकलते हैं, देखते हैं आपको कुछ अच्छी चीज दिखेगी तो दिखाएंगे आपको भी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। लड़की ने आज क्या क्या नहीं कर दिया है, गाना भी गा दिया है, डांस भी कर दिया है, रील भी बना दी है, ऑलराउंडर। झूठ बोल दिया, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा लगा मिलकर इनसे। तो ऐसे ही छोटे छोटे मतलब मिलते हैं ना, जैसे लोग फैंस फ्रेंड, अच्छा लगता है। क्यों? मिलते रहेंगे आगे ब्लॉग में और बाकी रील्स वगैरह। तो ये मेरा ब्लॉग चलाने वाली लग रहा है लड़की, बहुत गजब। मिलता है। तो आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगी। हम अभी जा रहे हैं मुक्तेश्वर वाली रोड में और मेरा ड्राइवर मेरे साथ है। ड्राइवर बना चुके हैं भाई, क्या बात है यार। हाँ वैसे सही है यार, हम ड्राइवर ही हैं, हर जगह गाड़ी ही चलाते रहते हैं। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू राजा। हैप्पी थैंक यू मैम सर, हैप्पी थैंक यू। राजेश हिंदुस्तानी है। मैडम जी, मैडम जी कहाँ ले जाओगे आप मुझे? मुक्तेश्वर वाली रोड में जा रहे हैं हम लोग, तो देखिए आप कहाँ है, आज कहाँ लेके जाऊँ भाई? आज हम यार ऐसे घूमेंगे, मुक्तेश्वर तो जा नहीं पाएंगे, तो फिर हम अब हम जाएंगे मुक्तेश्वर वाली रोड में जा रहे हैं। मुक्तेश्वर जाने का प्लान था वैसे, पर मुक्तेश्वर जाएंगे नहीं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी हो गया, तो फिर इस वजह से अब वो गाना फेमस ही था। कौन सा? राजा हिंदुस्तानी का। सुनाओ। भूल गया गाना। वाह वाह वाह, ओ मेरे दिल में यूं ही रहना, ओ मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी बाहर बनके। बदले अगर जमाना, पर तुम नहीं बदलना, क्या है अब के मौसम सपने हजार बनके। अभी हम आए नहीं है मुक्तेश्वर, अभी यहाँ से 25 किलोमीटर रह जाता है, तो पॉइंट दिखाऊंगा, एक व्यू दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। और मतलब आप देखना फिर उसके बाद बताना कैसा है, ठीक है? चले चलो आ गए हम यहाँ, थोड़ा यहाँ पे है तो हमारे मैडम को पसंद आई है जगह। तो मानसी जी क्या कहेंगे आप? यार मैं तो ये कहूंगी कि जो भी आए घूमने पे इस जगह तो जरूर आना। यहाँ से जगह का नाम बताओ, क्या बताया था? पता नहीं, हंस रही है। जल्दी बताओ नाम थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। यहाँ से 16 किलोमीटर रह जाता है आपका मुक्तेश्वर, 25 सॉरी मैंने गलत बोला, ये धुतकानंद धार। धुतकानंद धार, मैंने एक ही बार में पढ़ लिया, देख लो। धुतकानंद धार। तो हमारे जो बाइकर्स ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और हम यहाँ पे कुछ कर निकलते हैं आए को, तो एंजॉय करते हैं यहाँ का। क्यों? सो मानसी जी पीछे आपके बादल हैं और आप बादलों के ऊपर हैं, कैसा लग रहा है? चढ़ जाओ बादलों पे। कैसा लग रहा है? कस लगनो पत्ते भल लगनो है, भल लगनो है, व्यू कस लगनो है। हम 1.5 घंटा ऐसे बैठे एंजॉय किया, बात बात करी, अब उसके बाद तो यहाँ चाय आ चुकी है। लेमन टी। अब गला सही है, खराब है? ऐसी है तो ऐसा है, लेमन टी के हल्के हल्के सिप लेके मजे लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं घर को। 4 बज चुके हैं, मुझे भी घर को निकलना है, इनको भी नैनीताल ड्रॉप करके निकलते रहेंगे क्योंकि हम ज्यादा ऊपर आए नहीं, क्योंकि फिर हम सोच रहे हैं नैनीताल में घूमने की। सोनू भाई तुमसे मिलना था लेकिन क्या करें यार, तुमने आज वहाँ पे गवर्नर बुला रखे थे और हमारी एंट्री बैन कर रखी थी, तो इसलिए नहीं आ पाए। तो मिलेंगे आपसे सोनू भाई। किलोमीटर क्या कह रहे हो?
मुझे भी पैदल आना पड़ा था 1 किलोमीटर। तो मिलता है आपसे भाई लोगों। सो गाइस अभी जस्ट हम वहाँ से आ गए थे, हमने थोड़ा वहाँ रेस्ट किया 1-2 घंटा, अच्छे से बात बात करी, अब हम जाने घर को। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही ज्यादा अच्छा सच लगा। सच में? हाँ। तो एक चीज पूछूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, आई एम सिंगल, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। झूठ बोलो, झूठ बोलो। अरे सच में नहीं है, मैं सिंगल हूँ। ओके, वैसे भी सिंगल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये है तो स्कूल टीचर बनने वाले हैं, मारेंगे बहुत बहुत मार लूंगी। तो गाइस आ गए हम आपका नैनीताल के बस स्टैंड में, और विदा लेने का टाइम आ गया मानसी जी से। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? मुझे तो काफी अच्छा लगा मिलके। अच्छा लगा मिलके, पर अब जा रहे थे इसलिए बुरा लग रहा है। तो जल्दी मिलेंगे फिर। अभी आप कहाँ जाओगे? दिवाली में जाएंगे ना? तो मिलते हैं ना, और गाने सुनाते रहेंगे हमें। और ऐसा कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आज मजा काफी आया। क्यों, कुछ कहना चाहोगे फिर? आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हम मिलेंगे जल्दी अगले ब्लॉग में। ओके बाय, वेलकम बैक टू होम। और अभी बज रहे हैं आपके 7:30, काफी थक गया था, बहुत अच्छा रहा। मैं सोचा था कैसा ही जाएगा, मिलते हैं ये होते हैं। एक तो आज वहाँ जाम लग गया था, आज वहाँ पे गवर्नर आए थे हमारे यहाँ के, तो उस चक्कर से वहाँ पूरा जाम लगा हुआ था, तो नैनीताल के अंदर जा नहीं पाए। फिर हमें वापस इधर को आना पड़ा, भवाली साइड को। लेकिन आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था, आज उनसे मिला, मतलब फैन से अपने, बहुत ही मजा आया और अच्छी चीजें एक्सपीरियंस हुई, मिलके भी अच्छा लगा। तो होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग काफी पसंद आएगा। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आज से ब्लॉग को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं फिर आपको किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।